ये प्रोजेक्ट अपना आप देख रहे हैं अर्जुन मिल्ला के नाम से, ये शहीद पथ से मात्र 200 मीटर की दूरी पे है। सेमी फर्निश मकान है सारे, ये 1100 स्क्वायर फीट की कटिंग है। आइए अंदर चलते हैं। ये है आपकी कार पार्किंग, ये मिस्टर हर्षित जी हैं, ये हमें डिस्क्राइब करेंगे प्रोजेक्ट के बारे में। तो मिस्टर हर्षित जी, जानकारी दीजिए हमें पूरी इसके बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में अपनी। सर, ये हमारा प्रोजेक्ट है अर्जुन विला फेज 2। ओके। ये अहमामू पुलिस चौकी से लगभग 100-200 मीटर की दूरी होगी इसकी। ओके। और मेन शहीद पथ से भी 200 मीटर की दूरी है। बिल्कुल। दो है रास्ते आने के, एक अहमामू वाले से अभी आ सकते हैं सुल्तानपुर रोड से, और एक आप शहीद पथ से भी डायरेक्टली आ सकते हैं। ओके। अभी हम ये जो हम जिस मकान में खड़े हैं, ये 1100 स्क्वायर फीट का मकान है। ओके। इसमें आपको 22 फ्रंट है और 50 की डेप्थ है। एंट्री करेंगे तो ये आपका पोर्च एरिया है, कोई भी बड़ी गाड़ी आपकी खड़ी हो जाएगी जी, इवन फॉर्च्यूनर तक खड़ी कर सकते हैं। ओके ओके। उधर वाइड पार्किंग है काफी। हाँ, वाइड पार्किंग है। ओके। और सबसे बड़ी बात है उधर आप कैमरा लीजिए जी, तो जो साउथ फेसिंग है उधर आपका गेट नहीं होगा, तो अच्छा। पार्किंग स्पेस आपको मिलेगी, मतलब फ्रंट की पार्किंग आपको अवेलेबल रहेगी, पार्किंग आपकी है। पूरा जो हमारा कॉलोनी है ये गेटेड कॉलोनी हो जाएगी। ओके। और नगर निगम में ऑलरेडी है ये। ओके ओके जी। आइए यहाँ से हम लोग ड्राइंग रूम। ओके। ये आपका ड्राइंग रूम एरिया है। हाँ, ड्राइंग एरिया। ओके। पूरा प्राइवेसी का ध्यान रखा गया, कर्टन्स लगा के इसको एज ए रूम भी यूज कर सकते हैं जी। बाकी हम फिटिंग्स की बात करें तो हम लोगों ने RR की केबल्स यूज करी है, हैवल्स की वो अपने इलेक्ट्रॉनिक्स यूज करे, RR की आपके स्विच बोर्ड यूज करे। ओके। और इधर जब ध्यान देंगे लकड़ी की तरफ तो हमने टीकवुड सागवान यूज किया हुआ। ओके। तो मजबूती का पूरा पूरा ख्याल रखा गया। अच्छा, मतलब क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं है। क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, भैया पैसा ले रहे हैं, ले रहे हैं, मानते हैं पैसा जी। और जब ये फिनिशिंग की बात करेंगे तो पूरा इसमें मॉडर्न लगी हुई है, बालू का कहीं यूज नहीं है, मजबूत मकान। ओके। मिले। उसके बाद ये हमारा हॉल है, ये हॉल है आपका, ये आपका लॉबी सेक्शन आएगा। लॉबी है, यहाँ आप डाइनिंग लगा सकते हैं इधर, और ये आपका जो किचन आप देख रहे हैं जी, ये मॉडर्न किचन होगा चिमनी के साथ। ओके ओके। फिनिशिंग चल रही है, फिनिश नहीं है। ओके ठीक है। उसके बाद हम इधर देखेंगे आपको ये कॉमन लैट्रिन बाथरूम मिलेगा, कितना स्पेशियस है। ओके। ये इंडियन पे रहेगा या वेस्टर्न? ये आप कस्टमर चॉइस है, कस्टमर का चाहता है कि दूसरी हो जाए तो हम दूसरी भी लगवा देंगे, वेस्टर्न भी लगवा सकते हैं। ये आपका OTS? हाँ। ऊपर देखेंगे आप फाल्स सीलिंग, पूरे घर में फाल्स सीलिंग मिलेगी। ओके।